रांची और कोडरमा एक बार फिर कोरोना का सेंटर बन गया है। राज्य में कुल एक्टिव केस के 75% इन्हीं दो जिलों से है। रांची जिला में शुक्रवार को 22 और कोडरमा में 26 संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर रांची में एक्टिव की संख्या 110 और कोडरमा में एक्टिव केस की संख्या 90 हो गई है। जांच लैब से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में मिले नए संक्रमितों में से अधिकांश की ट्रैवल हिस्ट्री है। कोई शादी पार्टी तो कोई पारिवारिक समारोह या अन्य आयोजनों में शामिल होने दूसरे राज्य गए और वहाँ से झारखंड लौटे हैं। सामान्य लक्षण मिलने पर जब जांच करा रहे हैं तो उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। रांची जिले में पिछले 3 दिनों में 59 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 22 दिसंबर को 25, 23 दिसंबर को 12 और 24 दिसंबर को 22 शामिल है। नए संक्रमित डोरंडा और अरगोड़ा, पिस्कामोर, लालपुर, चुटिया, बरियातू क्षेत्र में मिल रहे हैं और रेलवे स्टेशन में की गई जांच में भी संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। 6 दिनों में कोडरमा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। जिले में 19 दिसंबर को मात्र एक एक्टिव केस था जो 24 दिसंबर को बढ़कर 90 हो गया है। यहां जांच की तुलना में 7.5% के हिसाब से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं।